नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पटवारी भर्ती 2019 के बारे में। तो आपके लिए दोस्तों खुशखबरी यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इसकी घोषणा कर दी है। तो 3000 से अधिक पदों पर पटवारी की भर्ती होने जा रही है। इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई है। ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होने की संभावना दोस्तों जुलाई के अंतिम वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म होने की संभावना जताई जा रही है। जैसे इसके फॉर्म शुरू होंगे या इसके संबंधित कोई भी सूचना आएगी उसका वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचा देंगे। यदि दोस्तों आप पटवारी भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं और पटवारी भर्ती की आप तैयारी लगातार कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी बता दूं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी पर आपको जो कम्प्लीट सिलेबस है, यानी पटवारी भर्ती का हो गया, राजस्थान पुलिस का हो गया और रीट का हो गया, तो उसका जो राजस्थान का सिलेबस है, कंप्यूटर का है, हिंदी का है, ये कंप्लीट सिलेबस हम आपको हमारे चैनल पर करवाएंगे। यदि आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके बाद जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें जिससे यह वीडियो सभी तक पहुँच पाए, तो उसका नोटिफिकेशन जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक और सभी दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कर दें। तो इस वीडियो में हम सिलेबस चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि हम जो भी रणनीति के तहत आपको पढ़ाएंगे वह होगा, जैसे आप राजस्थान ज्ञान का, अपने राजस्थान इतिहास का, मेवाड़ का इतिहास का कोई टॉपिक हमने क्लियर किया आज सुबह, तो सुबह उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। उसी दिन शाम को जो भी आप समय होगा वह हम फिक्स कर लेंगे। नीचे कमेंट में आप बता दीजिए किस समय आपको क्विज देनी है, तो उसी जितना आप टॉपिक दिन में पढ़ा है उसी का क्विज, उतने पढ़ा है उतने में से क्विज आपको शाम को देंगे। उसमें से कितने क्वेश्चन आप हल कर पाते हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और कितनी बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों जो हिंदी का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, उसी का भी सेम चलेगा। पहले हम राजस्थान जीके करेंगे, हिंदी करेंगे, फिर उसके बाद में जैसे समय मिलेगा तो कंप्यूटर और गणित भी करने का प्रयास करेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस हम करवाएंगे पटवारी भर्ती से पहले। तो उससे पहले दोस्तों जैसे एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उससे पहले हम कम से कम 50 से ज़्यादा जो मॉडल पेपर है वह हम आपको करवाएंगे। तो हमारे चैनल पर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास कुछ तो तैयार पड़े हैं, कुछ हम लगातार हमारी टीम लगी हुई है, तो तैयार होते ही 50 से ज़्यादा जो मॉडल पेपर है वह भी पटवारी का आपको करवाया जाएगा। तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, आराम से धैर्य से तैयारी करें, तो मन लगाकर तैयारी करें, तो हमारे सभी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पटवारी भर्ती में सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है। तो पढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए जो ज़रूरी हो जाता है वह आपको पता होना चाहिए कि पटवारी भर्ती का सिलेबस क्या है, हम उसमें क्या पढ़ें, तक कैसे हम तैयारी करें। फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता है वह आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको फिर बता दूं कि अब की बार जो इसकी योग्यता दोस्तों वह ग्रेजुएशन लेवल कर दी है, यानी आपने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है तो आप फॉर्म भरने के लिए योग्य होंगे, लेकिन उसी के साथ में आप आरकेसीएल का कोई डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा हो गया या ओ लेवल का हो गया, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो वह भी अनिवार्य कर दिया गया, तो वह भी जरूरी होगा। यह दोस्तों आपने अभी तक कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आरकेसीएल के लिए आप अभी रजिस्टर कर दें जिससे आपका 3 महीने में डिप्लोमा आ जाएगा। जब तक एग्जाम होगी उससे पहले आपका डिप्लोमा आ जाएगा तो आप उसके लिए योग्य हो जाएंगे। तो पटवारी भर्ती के लिए एक सुनहरा मौका है पटवारी की तैयारी करने वालों के लिए। तो अब हम चर्चा करते हैं इसका जो सिलेबस है वह देखते हैं। तो सिलेबस दोस्तों जो प्रश्न पत्र में सिलेबस आएगा, जो आरएस परी का सिलेबस 2015 में निर्धारित किया गया था, पहले वह देख लेते हैं क्योंकि हमको अपने को पहले परी ही क्लियर करना है। तो सामान्य ज्ञान, गणित और कंप्यूटर एवं हिंदी, ये 4 इसमें आएंगे। तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों क्या क्या पढ़ना होगा अपन को, तो वह पढ़ना होगा राजस्थान का इतिहास पढ़ना होगा, राजस्थान की परंपराएं विरासत पढ़नी होगी, भारत का संविधान पढ़ना होगा, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था एवं राजस्थान का भूगोल एवं दैनिक विज्ञान जनरल साइंस भी इसमें आएगी। इसमें टोटल दोस्तों जो 100 अंकों का यह होगा। नेक्स्ट जो है वह गणित आ गया, तार्किक एवं आधारभूत संख्यात्मक अभियोग्यता होगी, यह भी गणित भी 100 नंबरों की आएगी। तब बेसिक कंप्यूटर और जो हिंदी है वह 50-50 नंबरों की आएगी। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे आपको इसको करने के लिए समय दिया जाएगा। तो टोटल दोस्तों क्वेश्चन कितने आएंगे, 180 क्वेश्चन आपके इस पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना भी सिलेबस है वह हम आपको पूरा क्लियर करवा देंगे, बिल्कुल बारीकी से करवाएंगे। तब प्रश्न पत्र में दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, वह 180 होंगे, आपको बताया मैंने अभी। तो सभी प्रश्नों के अंक भी समान होंगे। तो जो माइनस मार्किंग है वह 1/3 रद्द की गई है, तो 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होगी। कितने इसमें पास किए जाएंगे दोस्तों, तो जितने पद होंगे उनके 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। जैसे मान लिया अपने
मान के चलो 3000 अभी पद हैं, 3000 से कुछ ऊपर हैं, तो 3000 यदि पद हैं तो 3000 का 15 गुना कितना हो जाएगा, तो 15 तीन गुना 45 हो गया, तो 45000 अभ्यर्थी इसमें पास किए जाएंगे। तो 45000 की भर्ती मान कर चलिए आप 3000 के दिमाग में मत रखिए, तो 45000 की भर्ती है, तो 45000 की भर्ती की सोचकर आपको तैयारी करनी है, जिसमें आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता, सुनिश्चित हो जाएगा। तो इसका जो कंप्लीट सिलेबस है उसका PDF लिखा लिंक दोस्तों आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो उसका कंप्लीट सिलेबस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पटवारी भर्ती की तैयारी के लिए दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें, तो हमारे मूल्यांकन करें, हमारा भी मूल्यांकन होगा और आपका भी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक एवं सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके बाद जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे पटवारी भर्ती से संबंधित सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।